दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, प्रोग्राम की मदद, मैंने शराब भी पी और कल जैसे सेक्टरी साहब बता रहे थे, मुझे वन डे एट ए टाइम 26 साल मुकम्मल हुए थे कल। वैसे मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग 19 दिसंबर 1995 में की थी। सो लगभग 6 महीने मुझे कंसिस्टेंट सोब्राइटी पाने में लग गए थे। मेरा ऐसा मानना है और किताब में भी बड़ी जगह लिखा हुआ है कि वो लोग ठीक नहीं हो सकते जो अपने आप से ईमानदार होने के काबिल नहीं है। मैं शायद उनमें से एक था। या हाइंडसाइट में मैं ऐसा भी समझता हूं, कई लोगों में ठीक होने की प्रबल इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है, जैसा कि आम होता है, रास्ता ही नहीं मिलता। ये नहीं कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 20-25 लाख दुनिया भर में लोग आ गए तो हम सिर्फ हम ही चाहवान थे ठीक होने के। मेरा ख्याल है इतने ही लोग दुनिया भर में और होंगे जो ठीक होना चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट फाउंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज येट। उनको उनके देश में, उनकी जगहों पे, उनके शहरों में AA का पता नहीं, जैसे हमें पता नहीं था। तो वो मेरे जो 6 महीने में उस का भी इस लेखा जोखा लिया है मैंने बड़ी बार, और उसको मैं आपसे शेयर भी करूंगा। गुरप्रीत जी ने जो आज का टॉपिक रखा है दिशा ग्रुप पे, कमाल है। फ्रॉम इनसैनिटी टू सैनिटी, लिटरली तो इसका ये मतलब हुआ पागलपन से स्यानेपन की तरफ, या मूर्खता से स्यानेपन की तरफ। अब शराबीपन का दूसरा नाम हम कभी डॉक्टर सिल्कवर्थ को देखें और अभी रीड इन द सेकंड चैप्टर देयर इज अ सॉल्यूशन या थर्ड चैप्टर में, तो हमें शराबियों को कई विशेषण दिए गए, मूर्ख, स्वार्थी, ये दो लफ्ज तो काफी हमारे लिए, मेरे लिए उपयोग किए गए। सो मूर्ख, पागल, स्वार्थी, इनसेन। और जब हम असली प्रोग्राम में आते हैं टू से कि गॉड रिस्टोर मी टू द सैनिटी, दैट मीन कि मेरी सियानप बहाल कीजिए, मुझे पागलपन से बाहर निकालिए, दूसरा कदम तो यही बताता है। तो शराबीपन मैं समझता हूं मेरे कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, टू मी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, केमिकल इज नॉट, इथाइल अल्कोहल, माइल अल्कोहल इज नॉट कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, इट इज माई माइंड, इट इज माई माइंड, ये मेरा मन, मेरी मानसिकता जो बहुत चलाक, धूर्त, मुझे असमझ में डालने वाला, धोखा में डालने वाला मेरे से बातें करते हैं और मुझे बार बार शराब की तरफ ले जाता है। इनसैनिटी ये है।
ए में आने से पहले मैं अपनी लाइफ को जब देखता हूँ, राइट फ्रॉम माय बिगनिंग, मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर वाज अ सुपरिंटेंडेंट इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. हम अम्बाला रहा करते थे. मैं 8 9 साल का रहा होगा, मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता था. स्टैंडर्ड नहीं थे क्लासेस, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था. तो वहाँ मैं बचपन से गाने बड़े गाता था, बहुत अच्छे गाता था. काफी देर तक मैं हैव बीन अ वेरी गुड सिंगर. वो तो मेरी आवाज कुछ सिगरेट करके, कुछ अन्य कारणों करके खराब हो गई, बट आई वॉज अ गुड सिंगर टिल माई कॉलेज लाइफ. आई वॉज अ वेरी गुड सिंगर. कॉम्पिटिशन में भी मैं भाग लिया करता था. जब मैं 8 9 साल का था, लोगों बच्चों को कोई देशभक्ति के गीत गाता है, कोई भजन गाता है, कोई कुछ गाता है. 9 साल का मैं था और मेरा फेवरेट सॉन्ग था, एक फिल्म आई थी पेइंग गेस्ट, उसमें एक गाना था, हाय हाय ये निगाहें कर दे शराबी जिसे क्या. एंड आई वॉज परफेक्ट इन दैट सॉन्ग. और मैं उसको एक्टिंग करता था. उन दिनों लाल रंग की एक रोज की बोतल आती थी, सोडा, वो हाथ में लेकर वो मैं पीता रहता था और एक्टिंग करता रहता था. जैसे शराबी गिरता है, एक कुर्सी रख लेता था. आई स्टिल, जब भी मुझे गुरपी नहीं है तो मैं एकदम पता नहीं कैसे मैं उस सीन पे चला गया. मुझे बड़ा सराहा, लेकिन मुझे उनका जो चीफ गेस्ट था उसने अंत में कहा कि ऐसे छोटे से बच्चे को ऐसे गीत नहीं गवाए जाने चाहिए, खुदा ना खास्ता बड़ा होकर ये ऐसे करने लगेगा तो क्या होगा. ये एक भविष्यवाणी थी. अगले दिन मुझे मेरी हेडमिस्ट्रेस ने बहुत मारा कि तुम स्कूल का नाम बदनाम करोगे, तुम स्टेज पे ऐसे गाने गाते हो. आई नो, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ और गाने का क्या सेंस क्या. बट आई लाइक दैट सॉन्ग अनोइंगली कि ये अल्कोहल ये ब्लड क्या पता होता है, बट आई लाइक दैट सॉन्ग. बड़ा होता गया, बड़ा होता गया. और मैं जो भी था, हमारा बचपन बहुत बुरा नहीं था. इट वॉज नाइस. जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है. माई फादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट मैन. बड़ी 5 बच्चों को पढ़ाना उन दिनों में, इट वॉज बहुत अच्छा नहीं था. लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था. मैं आई वॉज अ पेम्पर्ड चाइल्ड. आई वॉज अ वेरी पेम्पर्ड चाइल्ड एंड दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जो मैं डेवलप हुआ हूँ उसमें उसका बड़ा बड़ा रोल है. मैं इसलिए इस बात को बड़ा दोहराता हूँ ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं. दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. मैं अपने लाइफ में इसको देखा और मैं व्हेन आई लुक इट इनटू माय लाइफ, मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे कायम रहता है. स्टबर्न चाइल्ड जिसकी जिदें पूरी हो जाती है वो लाइफ में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसीलिए अब मैं अपने बच्चों को और मैं देखता हूँ यस, वो जो मेरे साथ हुआ वो ना कर. बिकॉज ये जरूरी नहीं कि वो अल्कोहलिक बन जाए, बट देर आर चांसेस कि उसका कैरेक्टर बड़ा अनकंफर्टेबल बन जाता है, वो जैसे मेरा हो गया. मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर ना चलाकर अपनी शर्तों पर चलाना चाहता ना. तो ये किसी का हुआ है ना ही होगा. एक बार हमारे घर में एक ज्योतिषी जी आए. मैं छोटा था, मैं सब कुछ के बावजूद मैं मंगलवार का व्रत रखता था, पूजा पाठ करता था, हनुमान जी का बड़ा पुजारी था, माता पिता की सेवा बड़ी करता था. कोई रात बिना उनकी पांव दबाए मैं कभी सोता नहीं था. आई दैट वाज द लास्ट थिंग आई वुड आई मस्ट डू इट. मेरा भाई उसके बिल्कुल उल्ट था. वो 10वीं में पढ़ते थे. मैंने उनको हैड सीन हिम स्मोकिंग आल्सो. मैं उनकी शिकायत भी लगा देता था. वो ज्योतिषी जी कहने लगे कि आपका छोटा बेटा निहायत बदमाश बनेगा, ये व्यभिचारी होगा. जो वर्ड यूज किया था स्टिल, ये व्यभिचारी होगा, ये मांस शराब महिलाओं के, उसने जो जो दुनिया में चीजों का जो बुराई है वो सारी गिना दी इस बच्चे में होगी.
मैं हैरान, मैं कहा यार मैंने बड़ा गुस्सा भी किया अपनी मदर से, इसको घर से भगाओ। मैं कभी इतना शरीफ आदमी, इतना बच्चा, वो पूजा पाठ वाला, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा बड़ा भाई, ये बड़ा बेटा आपकी बड़ी सेवा कर, बिल्कुल उल्टा बता रहा। मैं कहा ये बकवास होते हैं पंडितों को क्या पता, लेकिन असली जाके बाद में हुआ बिल्कुल ये सच। मैं बहुत नालायक बेटा साबित हुआ, मैं अपनी माता को घर से निकाल देता था, जो मैं घर से लड़के बाहर आ गया। मेरा मेरे भाई के पास मेरे पेरेंट्स रहते थे, वो उनकी बड़ी सेवा करता था, और मुझे अंत तक अपने माँ बाप की सेवा का मौका नहीं मिला। वो मर भी गए, मैं शराब पीता रहा। दिस इज द ट्रेजिडी, दिस इज द ट्रेजिडी जो किसी के साथ हो सकती है। मैं इंसैनिटी की जैसे बातें मुझे याद आती है, मैं जब जवान हुआ, सारी दुनिया आशिकी करती है, मैंने भी की, मैं कल भी शेयर कर रहा था। वो मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हैं, जिसको कह लो, या इंसिडेंट्स हैं, जो जिन्होंने मेरे मानसिकता पर बड़ा असर डाला। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत ईमानदार प्यार। आई हैड नो नो रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप विद दैट वुमन। आई वॉन्टेड टू मैरी हर। वो हमने बिना किसी की सलाह के हम घर से छुपके चले गए, एंड वी गॉट मैरिड इन अ टेम्पल। इट वॉज अ फ्लॉप शो, इट वॉज अ फ्लॉप शो, इट फेल्ड। दैट उसने मुझे बहुत झटका दिया, बहुत बड़ा झटका दिया। मैं गुम हो गया। मैं 19 साल की मेरी उम्र थी, ये है, मैं 19 साल में मेरे नौकरी लगी, 19 साल में मैंने शराब पीनी शुरू की, 19 साल में मेरी अफेयर शुरू हुआ, 19 ईयर ओल्ड। एंड एट द एज ऑफ 21 आई, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये 21 साल का था। मैं जब जैसे ही अडल्ट हुआ, मैं घर से भाग गया। आई वॉज अ गवर्नमेंट जॉब, इन गवर्नमेंट जॉब। खैर वो फ्लॉप हुआ, मेरी शराब और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। मैं गलियों में, रातों में भटकने शुरू हो गया, रात रात सड़कों पर, चंडीगढ़ की 16 सेक्टर थी, सड़कों पर घूमता रहता, आवारा आवारा, जैसे कुछ घूम गया हो, और पागलों की हरकतें करने लगा। माय पेरेंट्स गॉट एंक्शियस, दे गॉट मी मैरिड, जैसे भी हो, उनको सब बताया तो था कि ऐसा ऐसा हुआ, बट देन वो लड़की से भी पूछने गए थे, लड़की ने इनकार कर दिया, कहती मैं तो जानती नहीं, मैं तो ये जो आपका बेटा, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि शी वॉज किडनैप एंड जबरदस्ती इसके साथ किया गया। दिस वॉज अगेन बिग शॉक, बिग शॉक। खैर वो लीगल लड़की से बच गए, समझौते हो गए, लोग बीच में पड़ गए, सो दैट चैप्टर वॉज क्लोज, बट दैट चैप्टर मेड मी टोटली ए चेंज पर्सन। बट बिल्कुल बदल गया, वो जो शराफत, जो ईमानदारी, जो एक नाजुक था, वो जो बचपन की मेरे मेरे में थी, बहुत देर तक थी, बहुत देर तक, वो खत्म हो गई, इवेपोरेट। मैं उस लड़की को हाथ नहीं लगाया, मुझे फिर ये अफसोस लगने लगा कि कमाल है यार, सब कह रहे बेवकूफ है तू, पर मैं अपनी ईमानदारी पर बड़ा, मुझे गर्व था, मेरी माँ को भी बड़ा गर्व था कि ये मेरा लड़का बहुत, लेकिन मैं अब समझा कि ये बेवकूफी थी। आई स्टार्टेड कर्सिंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को शराब में और डुबो दिया। खैर बहुत गुजरते गए, शादी हो गई, समय ठीक निकला, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो उसने घर को संभाला, मेरा बेटा हुआ, उसकी डेथ हो गई। दैट वॉज अगेन मुझे, मैं आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई मदर। वो पैदा हुआ, जब उसकी एक रात पहले मेरी वाइफ को पेन हुई, तो माई मदर टुक हर टू अ लेडी डॉक्टर। उसने कहा अभी टाइम है तो वापस ले आओ। वो घर में उसकी डिलीवरी हो गई, वो मेड को, उन्होंने जो होती है वो, उनको बुला लिया, और उसकी डिलीवरी में माई, इट वॉज ए स्टिल बर्थ,
मुझे अपनी माँ से बड़ा गुस्सा आया एंड बिलीव मी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई मैं अपनी माँ को दोष देता रहा कि मेरे बेटा हुआ था तेरी वजह से वो मर गया एंड आई ऑल आई कुड नेवर फॉरगिव माय मदर फॉर दैट एंड दैट वाज इंसिडेंट ऑन 4 मई 1975। खैर ये भी गुजरा, बेटियां हो गई, ठीक चलता रहा, लेकिन मैं जिंदगी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं इधर उधर भटकने लगा। एक जर्नलिस्ट थी, आई वॉज सिलेक्टेड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट इन 1979 और मुझे चंडीगढ़ से बाहर जाने का मौका मिल गया। वहां मौका मिलते ही मैंने सबसे पहला जो काम किया वो था एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन डेवलप करना, बगावत, बगावत विद द वुमन। यू नो मुझे लगा ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, प्रेम ये दीज आर ऑल बुलशिट, एंजॉय योर लाइफ। स्टार्टेड रिश्वतखोरी, लुटाओ पैसा, कमाओ पैसा, लुटाओ, मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य। वो जो बचपन का था शराफत वो खत्म हो चुकी थी और मैं एक बहुत जैसे कमीने हद तक का एक काइंड ऑफ मीन काइंड ऑफ अ पर्सन। आई डिडंट बॉदर अबाउट माय मदर, आई डिडंट बॉदर माय पेरेंट्स, रिश्तेदारी, वाइफ, मेरी दो बेटियां थी, यस आई लव देम, बट यू नो मैं वो जो दूसरी औरत मेरे जीवन में ले आया दैट वाज मेरा ज्यादातर ध्यान उधर रहता था। वो अगेन इट प्रूव्ड मी लॉट ऑफ वायलेंस, वो लॉट ऑफ वायलेंस, वो तो गोलियां गलियां तक चलने का मौका आ गया, बट ऑल राइट। मैं फिर मेरी शिकायत को तो हो गई नौकरी में, सो दिस थिंग और मेरी शराब थी। मैं अब घर में स्टॉक रखता था शराब का, मूनशाइन शराब घर में निकली हुई और वो बढ़ती गई। मेरी फ्रिज में हमेशा घर की निकली हुई शराब की कई कई बोतलें पड़ी होती थी एंड मैं डे ड्रिंकर बन गया। दिन में सवेरे जब कभी भी मुझे फुर्सत मिलती मैं फ्रिज खोलता, बोतल निकालता और पी लेता। थिंग्स स्टार्टेड वर्सनिंग, मेरा समाज से कटता चला गया, मेरी इनसैनिटी बहुत बढ़ने लगी, मैं वाइफ को जुल्म करने लगा, उसको मारने लगा। मैं ये समझने लगा कि मेरे सारी प्रॉब्लम का जड़ ये औरत है। मैं आई स्टार्टेड ब्लेमिंग और मैं फिर नाउ ये 82-83 की बात है, मेरे 3 साल अफसर में बने थे, मेरी शिकायतें होनी शुरू हो गई। बट समहाउ आई मैनेज टू कम बैक टू चंडीगढ़। घर जाऊंगा शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं। मेरा फिर वही चाल चलन, वही करेक्टर, वही वुमनाइजेशन चलता रहा। मैं जीवन से बहुत दुखी हो गया था। 95 में मेरी मदर की डेथ हो गई और उससे पहले मेरी मदर जब हमें मिलने आया करती, मैं घर से लड़के घर छोड़ गया था। एक बार मेरे फादर ने कहा, मैं रात को शराब पी के दंगा करता था, बहुत बड़ा शोर डालता था, अपनी पत्नी को तशद्दुद करता था, टॉर्चर करता था, बर्तन फेंक देता था। तो सवेरे मेरे 5 बजे फादर ऊपर सैर करने आते, आई वाज लिविंग ऑन द टॉप फ्लोर, तो वो सैर करने आते थे, 5 बजे का टाइम था। मैं बाहर निकला, वैसे तो कहने लगा, अनिल तू बहुत शोर डालता है रात को यार, अच्छा नहीं लगता, सारा सारा समाज, सारी दुनिया देखती है। मुझे अभी चढ़ी हुई थी, नशा था मुझे, तो आई शाउटेड एट हिम, मैं कहा तुम क्या, तुम्हारा घर है इसलिए तुम मुझे रोक दे रहे हो, हु आर यू टू टेल मी, अगर तुम घर का रोक दे रहे हो तो आई लीव दिस हाउस। मुझे 9 बजे, ये बात 5:30 की है, 9 बजे मुझे सरकारी जीप लेने आती थी। मैंने बच्चों को उठाया, अपना एक कैची रखा जीप में एंड आई लेफ्ट माई होम। दारू की बोतल मैंने पूरी पी ली थी जब तक 9 बजे तक एंड आई लेफ्ट माई होम। मेरा फादर, मेरे मदर नीचे तक बेचारे आए, मेरे पाँव में पड़ते रहे,
कश्यप भाग जाएगा, दबाओ। एंड दिस इज इंसल्ट, इससे बड़ी बदतमीजी, इससे बड़ा बुरा बर्ताव कोई कमीने से कमीना बंदा भी नहीं कर सकता, वो मूर्ख और पागल भी नहीं कर सकता जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया। पूरी सड़क में दे वर टचिंग माई फीट एंड मैं पागल राक्षसों की तरह उन पे शाउट करता था, नॉट एल्डरली पीपल। आई लेफ्ट दैट हाउस, आई बैक। उन दिनों अब यहाँ होटल है 24 सेक्टर में, उन दिनों यात्री निवास हुआ करता था, मैं वहां जाके रुका, किसी को भी नहीं पता था। आई स्टेड देयर, फिर मैंने घर ढूंढना शुरू किया और अल्टीमेटली 40 सेक्टर में मैं चला गया। अपना घर 16 सेक्टर में होते हुए भी मैं चंडीगढ़ में किराएदार बन गया, और मुझे ये लगा कि ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, अब तो मुझे बिल्कुल आजादी मिल गई। मैंने घर लिया, तो एक किराए में घर ले लिया 40 सेक्टर में। मेरे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। मेरे पास आया तो शराब में गुजर जाता था, मेरे पास फोल्डिंग बेड हुआ करते थे सिर्फ। एंड आई वॉज अ गेस्टेड ऑफिसर, क्लास वन गेस्टेड ऑफिसर। मेरे पास दो फोल्डिंग बेड थे, एक पुराने टाइप का सोफा था, 3 पेटी शराब थी, एक स्टीरियो था, दैट वाज ऑल। कुछ भी नहीं था, नो बैंक बैलेंस, नथिंग। और मैं घर से लड़कर किराए पे, उन दिनों 2000 रुपये किराए पे शायद मुझे मिला था, मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा थी, उन दिनों तनख्वाहें बहुत ज्यादा नहीं थी। ये एक अनदर इंसैनिटी। मैं हर बारी शराब पीकर अपने अफसर के मुंह पे अपनी रेजिग्नेशन फेंकाता था, हमेशा इतना गुस्सा भरा हुआ था जीवन से, पहले कर मैं अपने आप मर्जी से रहा था लेकिन सब पे रो रहा था, फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग आई वाज डूइंग वाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कोई भी शांति पूर्वक, कोई भी ढंग से सोच का मैं काम नहीं कर रहा था। वो जो डायरेक्टर था मेरा, वो मेरे कॉलेज का सीनियर था, बड़ा अच्छा था, लेकिन आई यूज्ड टू हेट हिम एंड अब्यूज हिम लेफ्ट एंड राइट, बहुत बुरा हाल था। मैं उसका हाल पूछने जाता, एक बार बीमार हो गया तो मुझे चढ़ गई, और मैंने उसका उसका नाम था ब्रिजमोहन, डायरेक्टर था, सर कहते थे सारे। तो आई फॉरगॉट दैट दिस मैन जो मंजे पे लेटा है बेचारा बीमार, वो मेरा डायरेक्टर है। तो मैंने उसका नाम, मैं कहा ब्रिज, तू अपने आप को समझता क्या, तेरे जैसे हजारों फिरते हैं, तू आता क्या, तू डायरेक्टर बन गया, पता नहीं क्या कहा। उसने कहा मेरे घर से इसको निकालो यार, आगे कहता भाई तू मेरा हाल पूछने कभी नहीं मेरे घर आए। वो बंदे के वो मुंह पे चौथे दिन रिटायरमेंट जो रेजिग्नेशन फेंक जाता था, पर समहाउ दैट मैन, वो जानता था मेरी वाइफ को, वो पीएन को भेज देता था घर, भाई उनकी वाइफ को दिया, हमेशा मैसेज भेजता कि पागल फिर अपने, वो हमेशा कहते कि पागल फिर अपना रेजिग्नेशन फेंक गया, अगर मैं सरकार को दे दूँ, भेज दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ, तो इसका कुछ नहीं जाना, इसके पास है क्या। और बिल्कुल वो ठीक था। जिस शख्स की मैं दुनिया भर में फॉरवर्ड करता था, दुनिया भर में उसकी बेइज्जती करता था, वो शख्स मुझे बचाता था और मैं उसकी जड़ें खोदता था। हाउ डिसऑनेस्ट आई वॉज, दिस वॉज अ वेरी बैड। तो ये चलता रहा, मेरी नौकरी बची नहीं, पता नहीं क्यों बची, मेरी पत्नी छोड़ के नहीं जाती थी। ये बड़ा अजीब सा काम हुआ। मैं देखिए इंसैनिटी की बात, मेरे ऑफिस में जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट थी, वो तो फिर मैंने ओके मुझे औरत चाहिए ही चाहिए, तो आई हैड अ रिलेशनशिप विद हर एंड आई यूज्ड टू ब्रिंग हर ऑफिस, शी वुड कम टू माय रेजिडेंस ऑल्सो। आई वुड आस्क माई वाइफ उसके लिए चाय बनाओ, उसके लिए खाना बनाओ, उसकी सेवा करो, और वो बेचारी चुपचाप, दगा करेगा, मारेगा, वो मेरा जुल्म सहती रही। इससे बड़ा पागलपन मेरा क्या हो सकता है, पता नहीं क्या राक्षस, शराब राक्षस बना देती है। इंसैनिटी नहीं, गलत एक लफ्ज है, तो अंग्रेजी में devil, yes possible, it is devil, शराब
इंसान को मैंने पढ़ा था बचपन में, यस इट डजंट मेक अस इनसेन, इट मेक्स मी रादर, मैंने तो अपने राक्षस को देखा है और मैं मानता भी हूं। मेरा मैं एक, एक, मुझे मेरे दिमाग एक दिन कहने लगा कि पापा आप बड़ी पूजा पाठ करते हो भगवान। मैं कहा यार तू मुझे देखा नहीं, मैं पूजा पाठ इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत सच्चा भगत हूँ, मैं पूजा पाठ इसलिए करता हूँ कि मेरा राक्षस जो बैठा हुआ है सोया हुआ है वो सोया रहे, वो जाग गया तो यहाँ तबाही हो जाए। तो मेरे अंदर एक राक्षस है जिसका शराब से कोई मतलब नहीं, मैं अंदर से ही एक राक्षस, और वो राक्षस जब शराब पी लेता है तो वो आदमखोर हो जाता है और मैं आदमखोर हो जाता, मैं सब कुछ निकल जाता, मेरे घर में तबाही, मेरी माँ मर गई। जब मेरी माँ मर गई और लोगों ने यही शब्द कहे, अनिल तेरी शराब तेरी माँ को खा गई, दिस वाज व्हाट हर फ्रेंड जो एल्डरली लेडी थी मरने की, वो ये कहती तू अब तेरी तेरी माँ को तेरी शराब खा गई अनिल, उसको कुछ नहीं हुआ था, वो दिन रात रोती थी कि तेरी बच्चों का क्या बनेगा, तेरी दो लड़कियां उनका क्या होगा, तुझे तो शराब से फुर्सत नहीं थी। एंड आई लिटरली कन्फेस्ड इट, यस मेरी माँ मेरे कारण मर गई। मैंने उसकी कभी सेवा नहीं की, जो वो बचपन में ज्योतिषी ने कहा था 100% सच था, मैं व्यभिचारी था, वुमनाइजर था, शराब पीता, हराम हराम वो जो रिश्वत लेने वाला था वो था। आई वॉज एवरीथिंग बट अ ऑनेस्ट मैन, बट अ मैन इवन, मैं आदमी नहीं था, एक एक जिसे राक्षसी स्वरूप होते हैं जैसे गीता में लिखा है आसुरी, मैं वैसा था। मैं जब मेरी माँ मर गई, जब क्रिया वाले दिन लोगों ने मुझे वाकई लानत भेजनी शुरू की, कोई कोई सेन कोई अच्छा इंसान होता जिसका दिमाग काम करता होता उसी दिन शराब छोड़ देता। कितना भी कुछ हो, जब माँ मर गई और सब उसको पता है कि मेरी माँ मेरी शराब के गम मेरे गम में मर गई, कोई अकलमंद आदमी शराब छोड़ देता, लेकिन मैंने क्या किया, मैं जब यहाँ शमशान घाट है जहाँ मेरी माँ का संस्कार हुआ था, मैंने वहां शराब पीना शुरू कर दिया। मैं बोतल उठाता, कुछ खाने के लिए लेके जाता, वहां बैठता और रात को शराब पीता रहता, सारी रात शराब पीता रहता, रोता रहता, शराब पीता रहता। और जब ऐसा जब डर लगने लगता तो मैं एक दो बार तो मैं कार वही छोड़कर सीधा ही भाग के आ गया था, मेरा घर काफी दूर था 5-6 किलोमीटर, मैं भाग के घर आ गया था। मेरी माँ बेटी वो भाई पूछी आपकी कार कहाँ है, फिर मुझे ख्याल आता वो तो मैं 25 सेक्टर ही छोड़ा है। दिस इज इनसैनिटी, दिस इज इनसैनिटी, इससे बड़ी इनसैनिटी क्या हो सकती है। ये शराब ने देखो, मैं मेरे मेरा सारा परिवार मेरी मौत का इंतजार करता था, बेबी मेरी बीवी मेरे से बहुत तंग आ गई, बड़ा गंदा करेक्टर, हर वक्त अब्यूजिंग, मैं पूजा भी करता था अजीबोगरीब का समय। मैं अपने एक हमारे एक थे ऑफिसर ज्ञानी पुरुष से, मैं सिगरेट पीता था, मेरे हाथों में तंबाकू की स्मेल आती थी, मुंह से शराब की स्मेल आती थी, कई बार रात को मच्छी खाई होती थी, जितना मर्जी पान पराग ये खा लो वो सवेरे हालात तो खराब ही होती है। अब मैं मतलब बदबू आती है कि कोई शरीफ आदमी नहीं बैठ सकता कोई भी। मैं अभी भी कुछ शराबी को पिए देखता हूँ, देखता हूँ यार इस जितना मर्जी इतर लगा लो, वही डीओ लगा लो, सौंप कर लो, कुछ कुछ खा लो, वो जो जो स्टिंकिंग स्मेल है ना शराबी की अंदर से जो निकलती है, दैट्स अ पिक्युलियर पिक्युलियर स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस जो जो हमारे अल्कोहलिक्स पे निकलती है, किसी दूसरे में नहीं निकलती। वो सब्सटेंस जो मुझे मेरी क्रेविंग पैदा करता है उसी से निकलती है, और वो शांत हो जाती है जब मैं शराब पी लेता। मैं उसको मुझे कहता यार तू शराब बहुत पीता, तेरा बहुत बुरा हाल है। मैं कहता सर मैं सोचता हूँ, मैं कहता पर तू पाठ बड़ा करता रहता है, मैंने सुना। मैं कहता मैं पाठ छोड़ने लगा, देखो इंसैनिटी, बंदा कहते हैं जी कि मैं शराब छोड़ दूंगा पाठ करता रहूं, मैं कहता जी मैं पाठ छोड़ दूंगा क्योंकि तो मैं सब कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती है। भाई शर्म आती है तो वो छोड़ दे, तो पाठ क्यों छोड़ रहा है, दिस इज इंसैनिटी। उसने मुझे कहा, कहते अनिल तू नर्क में रह रहा है,
ये एक आशा की किरण है जो तुझे तो तुम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, जगदीश साहब का, हो सकता है कभी तेरे जीवन में कोई सुख संदेश आ जाए। मैं तो नरक में रहे, एक बार मैं पाठ करके उठा, आई स्टार्टेड अब्यूजिंग माय वाइफ, तो वो कहने लगी अनिल जी प्लीज पाठ करके कुछ देर तो आप गाली गलौज ना क्या करो, अच्छा नहीं लगता, यू बी सरप्राइज। आई स्लैप्ड, मैं कहा तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी ये कहने की, मैं कहा मैं आज के बाद पाठ इस गुटके को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर ये कहे कि तुझे गाली ना दू, दिस इज नॉट पॉसिबल। इतनी बड़ी इंसैनिटी, इतना बड़ा पागलपन, इतना बड़ा अहंकार, इतना गरूर, हुआ भी यही, मैंने पाठ करना छोड़ दिया। मन जैसे जैसे चलता गया बहुत बुरा हाल हो गया, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल गॉन, मेरा वजन बहुत कम हो गया, मैं सिर्फ शराब पीने के लिए जी रहा था, दैट वाज ऑल, और शराब ना पीता तो मैं मरता था। मैं उस पोजीशन पर आ गया था कि शराब नहीं पीता तब मरता था, शराब पीता हूँ तो मरता हूँ, मुझे मुझे ब्लड आना शुरू हो गया था, आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप, बट आई कुडंट स्टॉप इट, आई कुडंट स्टॉप इट, आई नेवर वॉन्टेड इट। मैंने मरना तय कर लिया था कि यस आई वॉज रेडी टू डाई, इनसैनिटी, दिस इज इनसैनिटी, आई वॉज रेडी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई डेथ, बट आई वॉज नॉट रेडी टू फाइंड अ सोल्यूशन, आई नेवर ट्राइड इवन फाइंड अ सोल्यूशन। वो कोई पंडित आ गया, कुछ आ गया, वो दैट वॉज ऑल जो बुलशिट होता रहता है, बट सीरियस थिंकिंग आई हैड टेकन यू नो एनीथिंग। देन 16 दिसंबर मैं एक दिन, बड़ा अच्छा दिन था, संडे था 95, तो आई टोल्ड माई वाइफ, कहती मैं संडे को 10 बजे करीब मैं छुट्टियां लेता था, और इंसैनिटी देखी, मैं अपना जीपी फंड और अर्न लीव, 2 महीने की अर्न लीव लेता था सर्दियों में, और जीपी फंड निकालता था, लोग कोई पहाड़ पे जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के लिए छुट्टी लेता था और शराब पीने के लिए जीपी फंड निकालता था। वो वही दिन थे, दिसंबर के दिन, धूप वाले दिन, साग मक्की की रोटी, शराब, और वो धूप में बैठ के बस मजे यही। मेरी वाइफ ने कहा यार तू रुक यार, आज बड़ा अच्छा मौसम है। वो जो इंसिडेंट मेरी वाइफ के साथ हुआ था कि मैं पाठ नहीं करूंगा, बट समहाउ गॉड गेव मी अ मैसेज, मैं कहा अच्छा दिन है, लेट मी आज मैं पाठ करता हूँ। 16 दिसंबर को मैंने 2-3 महीने के बाद गुटखा निकाला और मैंने सुखमी साहब का पाठ किया। क्या उसके बाद शराब शुरू कर दी, जैसा भी था। शाम को, उसी शाम को 5:30 बजे 2-3 बंदे मेरे घर आ गए, अननोन। मुझे सबसे पहले खतरा हुआ ये शराब पियेंगे, मेरे पास सिर्फ एक बोतल पड़ी थी तब। मैंने उनसे पूछा आप शराब पियोगे, कह जी हम शराब नहीं पीते जी, मैं कहा चाय, कहते हम चाय पियेंगे। मैंने सुख का सांस लिया, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा, इनफैक्ट एक मेरा पुराना पड़ोसी थे जो 16 सेक्टर में रहते थे, उनको मेरे भतीजे ने बता दिया कि हमारा चाचा मरने वाला है, इसको हो सके तो बचा लो, उसको दे दो, पर हमारा नाम नहीं, उनको पता कि चाचे को पता लग गया कि उन्होंने कहा तो उसको पचाई बहुत करेगा, मारेगा। तो दोस्तों उन्होंने मैसेज दिया, आई डिनाइड एज यूजुअल, आम लोग जैसे करते हैं, पर उन्होंने मुझे वो पंपलेट दे दिया जो 20 साल वाला, मैंने पढ़े, मैंने किए, मुझे ना भी पढ़ता था पता कि मुझे समस्या तो है। खैर बुधवार को मीटिंग होती वेलकम ग्रुप, हमारा ही ग्रुप था, तो 19 दिसंबर 1995 ये मूर्ख, ये पागल, ये राक्षस आदमी अपनी पत्नी के साथ मीटिंग गया, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। छुट्टी इसलिए कि बाहर जाकर मैं बिना शराब के रह नहीं सकता था, क्यों, मेरे हाथ कांपते थे, मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता था, मेरा पेन नहीं चलता था,
जब तक मैं 3-4 पैक सवेरे ऑफिस, और मेरे ऑफिसर्स को पता था, मेरे ऑफिसर्स को पता होता था कि ये शराब पी के ऑफिस आएगा, नहीं तो आमतौर पर सस्पेंड कर जाते हैं, मेडिकल करा के निकाल देते हैं, बट माय ऑफिसर्स न्यू इट। व्हाई? आई वाज मोर देन इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, मेरी इंटेलिजेंस पे वो लोग इसी बात से कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट, मतलब मैं फूक में फूक थक जाता था कि बाबा मैं इंटेलिजेंट। और मैं 11-12 बजे मेरा भाई सेक्टर दफ्तर था, वो एक जलंधर रेस्टोरेंट है, मैंने वहाँ बहुत रखी होती थी, हर घंटे के बाद जाता था, 2-3 पैक लगा के आ जाता था। मेरे ऑफिसर को पता था कि 8-7 पैक भी तो इसको होश आएगा, शराब मुझे पता क्या था कितने पैक भी, मगर मीटिंग भी होती थी ना, सपोज सेक्रेटरी लेवल या मिनिस्टर लेवल मीटिंग, तो दे वुड आस्क मी तूने कितने पैक पिए आए थे, मैंने 6-7 पिए, कहते ओके ओके यू आर फाइन, अब ना आप ही मीटिंग अटेंड करके आ जाए पीपी। शो दिया, एवरीबॉडी न्यू इट, बट नोबडी बॉदर। काम चल रहा है, उनका काम चल रहा था, मेरा बेड़ा गर्क हो रहा था, मैं अपनी भूख में था, वाह जी वाह वाह, अनिल के बिना इनका काम नहीं चलता। ये नहीं कि जब अनिल मर जाएगा तो ये क्या करेंगे, वो जो घर में बैठे 2 बड़ी कुड़ियां, उनका उनका क्या होगा, चक दो पट्टे पंजाबियों का दिमाग, शराबी वैसे ही भूख में आ जाता है बराबर। खैर वो जो मैसेज मुझे छुट्टी मैंने ली, शाम को मीटिंग अटेंड की, बट आई टोल्ड माय वाइफ आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग, वो जो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग वाली बात थी जो मेरे पे तो लागू ही नहीं हो रही थी, आई वॉज नॉट रेडी। हालांकि मैं तंग बहुत था, कभी खून आ जाता था मुंह से, कभी यूरिन में आ जाता, आई वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मेरा वजन 35-40 किलो 40-36 किलो रह गया था, वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। हर बंदा मेरी, मैं अपनी पत्नी को समझा दिया था सब कुछ, मेरे मरने के बाद तुझे ये नौकरी मिल सकती है, ये होगी, ये मेरा फंड है, था कुछ भी नहीं, ना फंड बचा था, वो तो शराब में चला गया था, कुछ भी नहीं बचा था। आई डिडंट हैव अ हाउस, आई डिडंट हैव अ बैंक बैलेंस, आई हैड नथिंग एक्सेप्ट वाइफ एंड 2 डॉटर्स और एक सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी बची थी उस बंदे के कारण जिसको मैं गालियां निकालता था, घर बचा था मेरा इसलिए कि मेरी पत्नी के कारण जिसको मैं गालियां निकालता, ये 2 बंदे और मेरी माँ मर गई थी जो मेरा ध्यान रखती थी, उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं था। मैं एक ही मीटिंग में गया, वो मेरी सैनिटी की शुरुआत, इनसैनिटी वहां भी रही, अब मेरी जर्नी शुरू हुई, लेकिन ए में भी मुझे समय लगा। मैंने 19 दिसंबर को मीटिंग ज्वाइन की, हफ्ते में 2 मीटिंग होती थी, सैटरडे एंड वेडनेसडे, मैं मीटिंग में जाता था, मुझे कख भी पल्ले नहीं पड़ा था, नथिंग। एक तो आई नो भाई, जिससे पूछो फट्टा ना कीप कमिंग बैक, वो दूसरा फट्टा 90 दिन आओ कम से कम, आफ्टर दैट बात खुलेगी बात। जब से मैंने ये सुना है और जब से मेरे मेरे पे गुजरी है, शुरू में तो मैं बेईमानी थी, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, ये तो बात पक्का है, पर जब मैं जाता रहा तो एक अट्रैक्शन जरूर हुई, लोग बहुत अच्छे थे, आई स्टिल से दे वर वेरी नाइस पीपल, हमारे जो 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 ग्रुप के मेंटोर थे, जो फाउंडर थे, इज अ सच अ नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया, और भी लोग बड़ा प्यार करते थे, लेकिन प्यार से सोल्यूशन नहीं मिलता। मेरा आज ये पक्का मानना है, ओनली लव डजंट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। अ राक्षस या इनसेन पर्सन लाइक मी नीड्स अ सॉलिड सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। ये मुझे बताना कि तू शराब पीता है, गिर गया, मर गया, लुट गया, पट गया, बीमारी का पता लग गया, एंड आई स्टिल नो कि ओनली 2 मीटिंग वर इनफ टू नो Alcoholism is a sickness, sickness of mind, body and soul. मुझे पता लग गया मेरी आत्मा बीमार है, वो मुझे समझ आ रही थी, मेरी आत्मा बीमार है मुझे पता लग रहा था, मेरा शरीर बीमार है मुझे कांपता था, जब शराब नहीं मिलती थी मुझे पता लग गया, मैं कार का स्टीयरिंग ऐसे ऐसे चलता था मेरा, आई कुन, मैं जब सूप पीता था चमटा हिलता था, बॉडी वॉज शेकिंग, यू नो आई न्यू इट वॉन्टेड अल्कोहल। मैं दफ्तर का काम करते हुए शराब की मुझे जरूरत पड़ती थी,
एक बार मैंने बिल में साइन किए, वो ट्रेजरी ने रोक दिया क्योंकि साइन नहीं मिलते थे। आई टू गो टू ट्रेजरी और वहां उनके सामने पौवा पी के साइन किए मैंने। आई न्यू कि मेरी बॉडी अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गई है, उसमें शराब डालती है तो वो काम करती है, लेकिन वो और शराब मांगती है जब मैं पी लेता हूँ। दैट एनर्जी आई डिडंट नो, बट मुझे मोटे मोटे तौर पर ये समझ आ गई थी कि मेरी बॉडी अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गई है। और इनका इन्होंने मुझे बता दिया था इनका मतलब यह है कि तुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। इट वॉज अ बैड न्यूज, इट नेवर अ गुड न्यूज फॉर एनी अल्कोहलिक, इट्स नॉट अ गुड न्यूज एट ऑल। इट्स अ बैड न्यूज कि मैं बीमार हूँ, इट इज डेफिनेटली बैड न्यूज। इट्स अनदर बैड न्यूज कि मैं शराब पी नहीं सकता। तो ये दो बहुत बुरी खबर थी, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर गया कि यस आई एम एन अल्कोहलिक। मैं अभी भी सहन, यू नो इट टुक आफ्टर एडमिटिंग अल्कोहलिक इट टुक मी 6 months टू गेट सोबर। व्हाई व्हाई इंसैनिटी अगेन? क्या मैं जब मान लिया दैट इज वैसे कि एडमिशन ऑफ अल्कोहलिज्म डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल। I had seen people admitting alcoholic and drinking for a very long time. There are people who admitted they are alcoholic 12 years back and still they are drinking. Why? Admitting, no, kaise bhi tu pehla step kar le teri samasya hal hogi, kaise hal ho jayegi? I accepted, I admitted I'm an alcoholic, but that didn't solve my problem. I had to take certain steps. ओनली मैं मुझे ईमानदारी पर हमारी पहली लाइन क्या कहती है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। रियली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैव थॉरली फॉलोड अवर पाथ, दैट मीन थॉरली हु डोंट फॉलो द पाथ थॉरली आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एनी पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द प्रोग्राम थॉरली वुड फेल, ही वुड नॉट। But then admitting alcoholic doesn't mean anything, you know. मैं डाइट पी कूं, मुझे पता है मैं डाइट पी कूं, मैं आइसक्रीम खाता हूं, but then what is the fun of admitting to myself when a diet pick? If I'm an alcoholic and the doctor says I can't drink any drop of it, मेरे अंदर ड्रॉप जाएगा तो मुझे दोबारा शराब की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने सुन लिया, समझ लिया, शेयरिंग सुन ली, but then what can I do? How do I stop? By simply going to meetings? By hugging, by unconditional love? No, it didn't work. I was dishonest. मेरे जैसे जिसका जीवन है अंधकार भाई, जिसको शराब बचा के रख रही थी, जिसके घर में उसकी पत्नी से नहीं बनती, मेरी किसी से भी नहीं बनती थी, you know, I had a problem with everything. I had financial crisis at home, I had relationship crisis at home, I had job problem, I had everything, you know. मुझे शराब में जीवन नजर आता था। तो सिंपली एडमिटिंग दैट आई एम एन अल्कोहलिक वुडन्ट सर्व एनी पर्पस। देन यू नो एंड एवरीबॉडी टेलिंग कि तू मैं गिरा, मैं मरा, मैंने ये किया, वो तो मैं भी कर रहा था। आई वांटेड अ सॉल्यूशन, कीप कमिंग बैक। आई वाज कमिंग बैक फॉर कंटिन्यू फॉर 4 months, 5 months, 6 months। आई वाज कमिंग, दैट वाज बिकॉज़ आई वाज इंटरेस्टेड। आई वांटेड अ सॉल्यूशन व्हिच आई वाज नॉट एट ऑल गेटिंग, यू नो। मुझे किताब का पता नहीं, किताब को हाथ नहीं लगा देते। 100 दिन, 90 दिन, हाउ? मेरे जो 90 दिन तो मेरे हो ही नहीं पा रहे थे। Then something happened, somebody shared something which my ears wanted to hear. That man didn't talk about it, he talked about how to get out of alcohol, how to get out of this rut, how to get out of this hell. He talked about the big book, he talked about the steps, he talked about what he has done in column, something which I had not heard for last 4 months. Mujhe laga ye jo banda keh raha hai, it meant something, you know, he means it. Uski awaaz mein dam tha, uske chehre par raunak thi, uski awaaz mein tha ye karna chahiye wo, and he was speaking in पंजाबी। मैंने पहली बार सुना। आफ्टर मीटिंग आई मेट हिम, तो उसने कहा आपको कितनी देर में, कहा जी मुझे 6 महीने हो गए, और आपने जो आज कहा वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा
कि उसकी बातों में सोल्यूशन गलत रहा था, प्रॉब्लम नहीं थी। उससे मैं कहा आपके पास बिग बुक है? मैं कहा है पर मैंने खोली ली, मुझे समझ नहीं है उसमें। मैंने कहा आप शराब से दूर, मैं कुछ देर हो गए जी मैं शराब नहीं पी रहा, लेकिन धक्के से है यार ईगो कि यार ये छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। ओनली दैट वॉज वर्किंग। मेरा पड़ोसी है वो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, उसने छोड़ दिया, शर्म आनी शुरू हो गई है। वाइफ मेरी कहती है उसने भी छोड़ दी। एक एक ईगो काम कर रही थी, इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट, नथिंग मोर देन दिस वॉज वर्किंग। बट देन ही सेड शराब छोड़ना एक का पहला फल है, आगे प्रोग्राम खुलेगा। बट दैट वॉज ऑल, इतनी सी हमारी बात हुई। इन जुलाई 96 यू नो देयर वाज इंसिडेंट एट माय होम। मेरी बेटी इज अ वेरी गुड फाइन आर्टिस्ट, शी हैड अपीयर्ड इन अ कंपटीशन फाइन आर्ट कॉलेज के एडमिशन के लिए एंड आई वाज वेरी श्योर शी वुड बी सिलेक्टेड। उससे कुछ देर पहले मैं एक बंदे से मिला था, उनका प्रिंसिपल था। वो कहने लगा इसकी इसकी ट्यूशन रखाइए, 25,000 रुपये लगेंगे बट इसकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। जिस वक्त मैं यार मेरे पास 25 पैसे नहीं है जहर खाने के लिए, कहाँ से दूंगा। बट आई बिलीव कि शायद अभी भी सिस्टम ठीक है। खैर उसका नाम नहीं आया, शी वॉज नॉट सिलेक्टेड। ये शाम के 6 बजे अखबार देखी मैंने, मुझे गुस्सा आया सिस्टम पे, प्रिंसिपल पे, जिस वाले। हालांकि मैं बड़ा करप्ट आदमी था पर मुझे लगा से सारे सारे करप्ट, मैंने तो ये कर दिया कि छोड़ने की सोच रहा हूँ। खैर वो गुस्सा मेरा चलते 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 शराब बन गया। बाई 9 AM आई वॉन्टेड टू ड्रिंक। मैंने पहली मरतबा जो सुना था कि शराब को अंदर ले गुस्से को मैंने शराब की बोतल में कन्वर्ट होते देखा। आई सॉ इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई कुड ग्लिम्प्स कि शराब पीने के कारण कहीं मेरे माइंड में टिके हुए हैं, ये बोतल में जो केमिकल है उसके कारण नहीं है ये सब कुछ, ये मेरे दिमाग में जो केमिकल दोचा है तो उसका कारण है। मुझे लगा आई थॉट कि मैं मेरा वर्क प्लेस इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम माय होम, आई थॉट कि आई विल गो देयर एंड आई ड्रिंक देयर। बट वहां मैं अनाउंस कर बैठा था मैं एक मेंबर हूँ जी, मैं पुराना संत बन गया हूँ, तो वहां जाके मुझे शराब पीने से शर्म आई। आई केम बैक, आई थॉट कि अंधेरा हो जाएगा, जब एक मेंबर सो जाएंगे तब शराब पीऊंगा। मेरा पड़ोसी है एक, वो आता रहता था, मगर जब ये सो जाएगा तब पीऊंगा। बट एनी वे गॉड हैड अदर प्लान्स। मेरी वाइफ ने पेजर कर दिया और ए का मेंबर, उनके मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन थे या पेजर हुआ करते, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। शी पेड टू अ मेंबर जिसको मैं जिसने मेरे से बात की थी, ही केम। मैं समझ गया आज मैं पी नहीं पाऊंगा, थैंक गॉड, अदरवाइज मैं पता नहीं आज जिंदा होता कि ना होता। और मैं उस दिन नहीं पी, आज तक नहीं पी, उस दिन भी नहीं पी और आज तक भी नहीं पी। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने मेरे चाय पीने के बाद के अंदर किताब निकाल दी, उसने मेरे से किताब निकलवाई। अरे वो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेम जर्नी। ही डिडंट टॉक मच, ही डिडंट आस्क मी कि तेरे 90 दिन हो गए कि 100 दिन हो गए कि कितने दिन हो गए। हालांकि मेरे 74 डेज हो चुके थे एंड इट वुड हैव बीन एंडिंग 74 में मैं शराब पी गया होता। ही पुट मी टू द बुक, किसको उसका निकालिए स्टेट वे पुट मी टू चैप्टर 5 एंड पेज 58। पेज 58 की महानता मुझे बाद में पता चली कि जो बिग बुक में भी कहानी है फिजिशियन हील थाई सेल्फ, जब उसको बूचर बोलता है कि जाओ अपने घर किताब निकालो एंड ओपन पेज 58, वो डॉक्टर को सलाह देता है, वो कहता है बूचर मुझे समझाएगा कि पेज 58 आगे पढ़ो। एंड ही ओपन एंड ही रीड, यस रियली हैव वी सीन अ पर्सन पेज हु हैज थॉरली फॉलोड अवर पाथ। देन यू नो दिस मैन टुक मी टू ABC कांसेप्ट ऑफ कनाडियन, पढ़िए दिस इज ए, आर यू अल्कोहलिक, डू यू एडमिट। मैं वो मैंने मान लिया था, अनमैनेजेबिलिटी वाज द ओनली थिंग व्हिच आई डिडंट नो इट। He said, not only this, look at the other part of it, the unmanageability. Oh, I was never, मैं सुबह 9 बजे टाई लगा के दफ्तर जाता हूँ, बड़ा रोब डालता हूँ, घर सरकारी गाड़ी देने आती है, and I'm exactly 9 लोग
नौ दस पे दफ्तर आते, मैं 9 बजे दफ्तर पहुंचता हूँ, हाउ कैन माई लाइफ बी अनमैनेजेबल। मेरे कपड़े बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चाहे कम थे, मेरी वाइफ धोके मुझे तैयार करके दे देती थी, बट आई वाज टेरिफाइड एंड ऑल दैट, वही टाई शाई लगा के जाता था। तो जब उन्होंने ही पुट मी टू पेज 52 एंड टोल्ड मी पढ़ो दिस इज डू यू एग्री ऑन दिट, हु मेरा रिलेशनशिप विद माय वाइफ माय मदर माय फादर एवरीबॉडी माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन आई एडमिटेड यस I'm in a mess. I'm in a mess. I want to get out of it. Please help me. Then he said, yes, you will. Find God. See idea. Only he can do it. You have to find him. Seek him. Quit playing God. Chodo. Tum sari umar apne main lambe lambe boot dal ke thak 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 karke. I wanted people to know that I have come. I have arrived. People should know. My mother should know. My wife should know. My children should know. कि अनिल दफ्तर में इस घर में घुस गया है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई कुसकेगा नहीं, अब मेरा राज शुरू हो गया है। People were scared of me. In my office also, in my home also. And that is what I wanted. मेरा character का जीना ही मेरे गुस्से और मेरे अहंकार पर आधारित। मुझे लगता है लोग मेरे से डरते हैं, डरते रहे, यही मेरा मेरा मतलब था कि लोग मेरे से डरते रहे। Insanity. धीरे धीरे उस बंदे ने मुझे थस तक समझाया, करवाया, मैं रोया, बहुत रोया, और उसी रोने के साथ मेरा अहंकार चला गया। उस रात हमने कुछ नहीं किया। आई वॉज वेरी इमोशनल, अभी भी इमोशनल जब भी मैं याद करता हूँ। देन ही पुट मी टू द, मुझे उसे कहा, मैं आज भी कहता हूँ, he said you have to reach 11th step. जब तुम पाठ करते हो बड़े सालों से, पूजा करते हो, ये सब के सब असली माने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, बशर्ते तुम अपने आप को खाली करो, empty yourself, and then you know you will realize you are be connected to God. To connect with God, you have to reach 11th step. And why? For reaching 11th step, you have to pass through certain things. You have to empty yourself by working the 4th step, 5th step, 6th and 7th and 8th. मैं छठा सातवां तो हरी सारी वर्क करना पड़ेगा, but then मैं समझ गया कि मुझे क्या करना। I was 74 days sober. I was 80 days sober when I was writing my invention. I did my peer, I did my resentment inventory, sex inventory. सारा कुछ, सारी दुनिया को दोष देने वाला बंदा ये समझ गया कि कोई भी दुनिया में गलत नहीं सिवाय मेरे, मेरा अहंकार, मेरे डर, मेरी बेईमानी, मेरा स्वार्थ, सारी जिंदगी पिछले 27 सालों से मैंने अपने आप को सत्यानाश कर दिया। मेरा कैरियर बर्बाद हो चुका था, सब कुछ, रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी, मेरा परिवार बर्बाद हो गया था, मैंने दूसरी औरतों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। बट मैं समझ गया कि मैं इसके लिए कसूरवार, मैं बीमार, आई हैव टू क्रैक, आई हैव टू मेंड, आई हैव टू मेक अमेंड्स। एंड जेबों में हाथ डाल के, जबान बंद करके, मुंह बंद करके, आई वेंट टू एवरीबडी आई हैड हर्ड। मैं जहाँ मेरी माँ मर गई थी, मैं उसके पास शमशान घाट गया, बड़ा रोया, बड़ा एक खत लिखा उसको, बड़ा लंबा, आई मेड अमेंड्स विद एवरीबडी आई हैड हर्ड, एंड दैट मेड अ पे सिचुएशन फॉर मी कि मैं वो तीसरा कदम, गॉड कम एंड स्टे विद मी, डू एज थाउ विल, लीव मी बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, दैट विल बी डन। वो जो मैंने अपनी मर्जी, अपना जीवन, अपने एक्शन, अपनी सोच जो भगवान को दी थी, अब आई कैन आस्क थ्रू प्रेयर्स, थ्रू मेडिटेशन, ईश्वर बता मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे दे दिया, मुझे समझा मैं जीवन को जीऊं कैसे। एंड ही टोल्ड मी, ही हेल्प मी कि जीवन को ऐसे चला, तू मेरी कुर्सी पे मत बैठ, तू अपने पास टिका रह, इन चीजों को छोड़, मेरी बात मान। मैं उसकी बात मानता हूँ, बड़े सालों से मानता हूँ,
26 साल हो गए, आज भी मानता हूँ, बड़ी शिद्दत से मानता हूँ। मेरी पत्नी जिससे मैं नफरत करता था, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी, मेरी बेटी है, मेरी बड़ी अच्छी हमदर्द हैं, मेरी दोस्त है, मेरे ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, मैं अपना बड़ा अच्छा दोस्त, मुझे मेरे डिपार्टमेंट से नौकरी से निकाल रहे थे बिकॉज ऑफ माई मिसबिहेवियर, बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ माई करप्शन एंड ऑल दैट। देन द सेम डिपार्टमेंट आई बिकेम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द सेम गवर्नमेंट। द चीफ मिनिस्टर मेड मी द कंसल्टेंट टू अ कमीशन। आई गॉट ऑल द रिस्पेक्ट विच एनी बडी वुड लाइक टू हैव। जो लोग मैं मुझे जीवन में वो सब कुछ मिला, मुझे ए में भी इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, a lot of sponsors, a lot of people to had worked. I had worked in my group as a secretary, as an alternate YGR. I have some tea also. मुझे translation committee का chairman बनाया, मैंने सबसे पहले सैनिटी प्लेयर की पंजाबी ट्रांसलेशन की, फिर मैंने डेली रिफ्लेक्शन की पंजाबी ट्रांसलेशन की, देन यू नो बिग बुक एज अ प्रिविलेज टू ट्रांसलेट, एंड रिसेंटली विद गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प ऑफ फ्रेंड मुझे हिंदी बुक की अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेशन करने का मौका मिला। लॉट ऑफ थिंग्स इट इज सिंपली गॉड्स इंटरवेंशन। मैं मेरे जैसा राक्षस जो आज भी अपने राक्षस को सुलाए रखना चाहता है through prayer, meditation, through meetings, through alcoholics anonymous, is a design of living. आज भी मैं इसलिए 2-3 घंटे लगाता हूँ कि मेरा जानवर सोया रहे, वो उठेगा तो तबाही लाएगा, उसको सोते रहना अच्छा। And you know, Bill Watson, I had to destroy my self-centeredness. I keep on destroying it every day. I have to work my 10 steps every day so that वो राक्षस मरा रहे। जिस दिन वो राक्षस जाग जाएगा तबाही ला देगा, मेरा परिवार फिर डिस्ट्रॉय होगा, खुदा ना खास्ता ऐसा होए, मैं चाहता हूँ मैं बचा रहूँ। इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, आज भी मैं 3 मीटिंग कम से कम अटेंड करता हूँ, आज भी मैं पंजाबी ट्रांसलेशन के पंपलेट उस पर लगा हुआ हूँ, अभी आज भी मैं अपने स्पॉन्सर से इन टच में हूँ, लगातार निरंतर टच में हूँ। आज भी मेरे पास 2 महीने का स्पॉन्सर भी काम कर रहा है, 24 साल का स्पॉन्सर भी मेरे साथ काम कर रहा है। यू नो मेरा पहला स्पॉन्सर भी यहाँ बैठा है, मेरा जो पहला जब लास्ट स्पॉन्सर भी है वो भी यही बैठा है। सो गैप ऑफ 24 ईयर्स, मोर देन 24 ईयर्स, सो आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। मेरे जैसा अमीर बंदा कोई नहीं, इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस इस खजाने में है जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि उसमें से कुछ आपको भी मिले, आपको अच्छा लगे, आप मेरे जीवन को कोई चीजों को दे ले, एंड हो मेरा जीवन बहुत अच्छा है, आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड। इससे अच्छा जीवन 72 साल की उम्र में इंडिया में नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी साहब,